हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। आज के वीडियो में मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, ईमेल्स आए थे कि एमसीक्यूज सॉल्व करने में उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसा आप जानते हैं कि DSSSB का हर एक एग्ज़ाम जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे एमसीक्यूज ही होते हैं। तो अब उन एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करें, तो मेरे पास बेसिकली जो डाउट आया था वो यही था कि जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो वो हमसे सॉल्व नहीं होते। तो इसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हर एक टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत 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 ज़रूरी है एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक टॉपिक को उठाइए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि बेसिकली ये टॉपिक कहता क्या है, पूरा टॉपिक पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर भी अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट में लैक कर रहे हैं, दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर आप किसी भी एमसीक्यू में अटक रहे हैं बीच में, तो वहीं की वहीं उसी टॉपिक को आप अपने नोट्स में खोलिए। सबसे पहले ये नहीं है कि आपको स्किप कर देना है कि बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपको तभी की तभी तैयारी करते हुए, जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को साथ के साथ अपने नोट्स खोलने हैं जो आप लोगों ने प्रिपेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, और फिर उसी टॉपिक को आपको वापस पढ़ना है। जब आप वापस उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, फिर से एमसीक्यू पर जाइए उसी वाले पे और फिर उसे सॉल्व कीजिए। आप देख सकते हैं कि आप लोगों की 90% क्लैरिटी तभी की तभी बढ़ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली वो आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे आप लोग तैयारी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता होगा तो कैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की कॉन्सेप्ट पढ़िए पूरा अच्छे से डीपली, उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। नहीं होता है, अटक रहे हैं, तो वापस से अपने नोट्स से पढ़िए उस टॉपिक को, फिर सॉल्व कीजिए। तो देखिए, एक बारी में आपका सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू। और एमसीक्यूज में जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई सॉल्व नहीं हो रहे ठीक से, तो देखिए प्रैक्टिस है इसकी की, ठीक है। तो जब तक आप लोग एमसीक्यूज बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, तब तक आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी आप कोई नया काम करने जा रहे हो तो शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इट्स ओके। तो आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल रहा है, कोई भी बुक मिल रही है, तो आप लोग इकट्ठी कीजिए। जितने ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो कीजिए, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो एग्जाम से पहले लगाइए, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये डाउट एमसीक्यूज का कि किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से सॉल्व करें। इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।